अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली इमरान और इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद आपको भारत की जानिब से हमारे मुल्क पर होने वाले आबी हमले और पाकिस्तान की पानी के हवाले से मुश्किलात के मुतालिक बताना है। हिंदुस्तान की जानिब से पानी रोकने के बायस आज हमारी मुल्क की तरक्की और सलामती दाव पर लग चुकी है। भारत ने कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं पर डैमों का जाल बिछाने के लिए 212 अरब डॉलर की लागत से नॉर्दर्न कैनाल प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया, इसको 2012 में मुकम्मल किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत बांग्लादेश को जाने वाले दरियाए ब्रह्मपुत्र और जमुना, जबकि पाकिस्तान की तरफ आने वाले चेहलम और चनाब के पानी को डैमों में जखीरा करके नहरों के जरिए भारत के मैदानी इलाकों में पहुंचा दिया जाएगा। दरियाए सिंध के 30% पानी को एक आबे सुरंग के जरिए कारगिल डैम में पहुंचाया जा रहा है, जहां से इसे भारतीय इलाकों में ले जाया जाएगा। जबकि 2012 में मंसूबे की तकमील पर भारत दरियाए सिंध का मुकम्मल पानी रोकने की सलाहियत हासिल कर लेगा। इस मंसूबे के जरिए कश्मीर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के लिए पानी का असूल नामुमकिन हो जाएगा। कोया बरे सगीर की तमाम तर ज़रात और सनत भारत के ज़ेर तसल्लुत आ जाएगी, हत्ता के करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए भी भारत के मोहताज होंगे। पाकिस्तान के आला हुकाम के लिए बात काबले गौर है कि भारत मकबूजा कश्मीर में सैकड़ों अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल कर रहा है, तो क्या वो मुस्तकबिल में मसला कश्मीर के किसी भी मुनसिफाना हल पर राशी होगा? ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि पानी के साथ साथ इसके कश्मीर से भी दस्तबरदार होने का खतरा है। अगर आज कश्मीर का पानी ना बचाया गया तो कल कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब भी बिखर जाएगा, और कायदे आज़म के बकौल जब तक शहरक ना आज़ाद हुई तो सारे पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। माहरीन के मुताबिक 2012 तक पाकिस्तान पानी के हसूल के लिए मुकम्मल तौर पर भारत का मरहून मिन्नत होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का 100% पानी रोकने की सलाहियत हासिल कर चुका होगा। बगलियार डैम इन दिनों दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह इस साल 10 अक्टूबर को इसका अफ्तताह भी कर चुके हैं। इंडस वाटर कमीशन जमात अली शाह के मुताबिक जम्मू के जिला टोडा में बनने वाले बगलियार डैम के जरिए भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी जखीरा कर सकता है। इस डैम से 450 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। भारत इस डैम के जरिए दरियाए जेहलम का पानी 34 दिन तक रोक सकता है, जबकि रोजाना 7 से 8 हजार क्यूसिक पानी रोका जा सकता है। भारत की जानिब से इस डैम के मंसूबे पर काम 1992 में शुरू किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत के नाम एक मरासले में कहा गया था कि भारत जम्मू में बिजली पैदा करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। 1997 में इसकी तामीर शुरू हो गई। 2003 में जब ये डैम तामीर के करीब पहुंचा तो पाकिस्तान की जानिब से पहला नोटिस भेजा गया और इस डैम के मायने की इजाज़त मांगी गई। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफद ने 21 अक्टूबर 2003 को डैम का मायना किया। इस दौरान पाकिस्तान का एहतजाज शदीद होता गया और 2005 में पाकिस्तान ने आलमी बैंक जाने का फैसला किया। ताहम वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंतास मायदे पर मुकम्मल अमल दरामद के सिलसिले में मदद फराहम करने से इनकार कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने बगलियार डैम के मसले पर गैर जानिबदार माहिर प्रोफेसर रेमंड लफने को मुकर्रर किया। 18 माह की इंक्वायरी के बाद जो फैसला आया इसमें भारत को डिजाइन में मामूली तब्दीली का कहा गया, जबकि पानी जखीरा करने की सलाहियत और सिंतास मायदे की खिलाफ वर्जी जैसे भारतीय इकदाम को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक की जानिब से भारत के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना करने की बड़ी वजह पानी की सबसे बड़ी आलमी एनजीओ ICID है। भारतीय वजीर आजम पंडित नेहरू ने 1952 में ये एनजीओ कायम की थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली जबकि सब ऑफिस पेरिस में बनाया गया। इस एनजीओ के क्याम का बड़ा मकसद पानी के जखायर पर कब्जा जमाना है। आजकल ये एनजीओ इस कदर मजबूत हो चुकी है कि पानी के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ इसे माना जाता है।
और दुनिया भर में पानी से मुतालिक कोई भी मंसूबा इसकी मंजूरी के बगैर शुरू नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे बड़े मालियाती अदारे किसी ऐसे आबी मंसूबे को सरमाया फराहम नहीं कर सकते जिसकी मंजूरी ICID से ना ली गई हो। 1950 में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान, यूजिन ब्लैक जो उनके सदर थे, पहले सदर थे, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने आके यहाँ पे ये कहा कि आप मुख्तलिफ डैम बना लें और इंडस बेसिन ट्रीटी जो है, जो अब हम देख रहे हैं, इसका एक उन्होंने चरबा हमको यहाँ पाकिस्तान में पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये काम क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट से मुंसलिक है तो आप पंजाब गवर्नमेंट तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जाकर आप लाहौर में गुफ्तगुशनीद करें। उस वक्त चीफ मिनिस्टर मियां मुमताज़ दौलताना थे और रेवेन्यू मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा थे। जब वर्ल्ड बैंक का वो वफ्द इधर आया तो उस वक्त इन दोनों हजरात ने अपनी कैबिनेट और अपने दूसरे लोगों से सलाह करने के बाद ये फैसला सुनाया कि हम किसी कीमत पर अपने दरिया नहीं बेचेंगे हिंदुस्तान को, और लिहाजा ये इंडस बेसिन ट्रीटी को उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया। अब हिंदुस्तान ने जब ये देखा पाकिस्तान का रिजॉल्व कि ये तो पानी के मामले में बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी NGO जिसका के नाम ICID है, उसकी दाग बेल एक NGO की दिल्ली में डाली नेहरू साहब ने, और उसका एक सब ऑफिस उन्होंने पेरिस में बना दिया। आज यकीन करें कि दुनिया की सबसे बड़ी पानी की जो NGO है वो पेरिस में ICID के नाम पे है, वो हिंदू है, हिंदू उसके मालिक हैं, हिंदू उसको चलाते हैं, और दुनिया के किसी मुल्क में कोई पानी के मुतल्लिक कोई डैम या किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सकता, बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे ही नहीं देता, UNO मंजूर ही नहीं करता जब तक कि ICID की मोर ना लग जाए, और वो हिंदू है। तो जब वो हिंदुस्तान से की अपनी एक कंपनी है, NGO है, तो वो किस तरह आप ये हमारे जोमा जब ये किस तरह समझ सकते हैं कि कोई उनका आदमी है, वर्ल्ड बैंक का या एशियन डेवलपमेंट बैंक का या UNO का, क्योंकि ICID के कहने के बाहर एक कदम नहीं चलते पानी के मामले में, तो वो यहाँ आके सालसी करेगा।